हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा दी गई अपडेट्स के बारे में जानकारी लेंगे जो क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म एग्जाम से कनेक्टेड है। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2021-22। सीबीएसई ने कुछ न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस फॉर 10th एंड 12th जो सेशन 2021-22 फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फर्स्ट टर्म एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फॉर क्लासेस 10th एंड 12th इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021। फर्स्ट टर्म एग्जाम्स नवंबर दिसंबर 2021 मंथ्स में कंडक्ट किए जाएंगे। डेट शीट विल बी इशूड ऑन 18/10/2021 बाय द सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा 18 अक्टूबर 2021 को डेट शीट इशू की जा सकती है। एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें एमसीक्यूज, केस बेस्ड एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट का एग्जाम होगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11:30 AM इंस्टेड ऑफ 10:30 AM। एग्जाम 11:30 AM पर स्टार्ट होगा ड्यू टू ऑनसेट ऑफ विंटर्स इंस्टेड ऑफ 10:30 AM। रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सीबीएसई के द्वारा ओएमआर शीट में चेंज करने का भी प्लान है। ओएमआर शीट में एक एक्स्ट्रा सर्कल होगा। इंस्टेड ऑफ 4 सर्कल्स फॉर ईच क्वेश्चन ऑन द ओएमआर शीट्स द बोर्ड हैज चोजन टू गिव 5 सर्कल्स। सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हर क्वेश्चन में 4 सर्कल्स की बजाय 5 सर्कल्स होंगे। इसके नीचे शीट पर देखिए क्वेश्चन के साथ 5 सर्कल बने हुए हैं। दिस वन मोर सर्कल विल बी ऑफर्ड फॉर आंसर करेक्शन। यह एक्स्ट्रा सर्कल आपको अपने आंसर में करेक्शन करने के लिए दिया गया है। एज स्टूडेंट्स विल सर्कल द आंसर यूजिंग पेन दे विल नॉट बी अलाउड टू डिलीट द रिस्पॉन्स। क्योंकि इस बार ओएमआर शीट फिल करने के लिए स्टूडेंट्स पेन का यूज करेंगे तो वह अपने एक बार मार्क किए गए रिस्पॉन्स को डिलीट नहीं कर सकते। If the students during revising realize that they have marked the wrong choice, they can strike it off. अगर किसी student को revision के time यह पता चले कि उसने गलत option mark कर दिया है तो वह उसे cross लगा कर काट सकता है और काटने के बाद सही option को fill करने के बाद इस option का number 5th circle में लिख कर answer को correct कर सकता है। Or you can say, student can darken the correct circle and write the same A, B, C or D in the additional blank space. जैसे नीचे A को cross करके C mark किया गया है, then student will write C in the blank circle. So, in this way, student can use 5th circle and can do the correction in the answer. Evaluation के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR मीन्स जो आपने 5th circle में अल्फाबेट्स या नंबर फिल किया है वह आइडेंटिफाई होगा इस टेक्निक से। एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR जिसमें आपके द्वारा डार्कन किए गए सर्कल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इन दोनों टेक्निक्स का यूज होगा बाय CBSE टू इवेल्युएट योर रिस्पॉन्सेस। Furthermore, the CBSE controller informed that respective schools of the candidates would be conducting the practical exams for the term 1 paper. Term 1 के practical exams आपके अपने school में ही conduct होंगे. However, keeping in view the present COVID situation, CBSE is expecting to conduct the practical exam for students फॉर टर्म 2 पेपर। टर्म 2 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स सीबीएसई द्वारा ही कंडक्ट किए जा सकते हैं इफ द कोविड सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल।
Now, see the declaration of results. Result in the form of marks scored will be declared. आपको अपने हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स CBSE के द्वारा इन्फॉर्म किए जाएंगे, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को पास, कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा आफ्टर फर्स्ट टर्म एग्जाम. फाइनल रिजल्ट्स सेकेंड टर्म एग्जाम के बाद ही डिक्लेयर होंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new videos. Thank you so much.